तो क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा ही होगा। तो आज के वीडियो में हम एक और एक्सपेरिमेंट के साथ आपके साथ आए हुए हैं। तो देखिए, अगर आपको देख कर जो पता चल गया होगा कि किस टॉपिक पर आज हम एक्सपेरिमेंट करने वाले, तो अच्छी बात है। अगर नहीं पता चला है तो चलिए हम बताते हैं। तो गाइज, आज का एक्सपेरिमेंट टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कि हम देख तो नहीं सकते हैं लेकिन महसूस आपको करवाएंगे आज हम, ठीक ना। माइक्रोऑर्गेनिज्म जो ऐसे पांच कैटेगरी में बांटा जाता है, उसमें से आज हम फंगस के बारे में बात करेंगे। अगर कोई भी फूड है या कोई भी खाने वाला पदार्थ है, अगर उसे आप नहीं खाते हैं, अगर ऐसे ही खुला रख देते हैं, अगर मॉइस्चर उसको मिलता है तो उसमें फंगस लगना एकदम तय बात है। वैसे ही आज हम फंगस के डेवलपमेंट, जो फंगस से ईस्ट बिलोंग करता है, उसका हम देखेंगे। उसके लिए हमारे पास बेकिंग पाउडर है, ठीक है, और ये आटा। डू यू नो अबाउट आटा? आटा रोटी जिसे चपाती बनाते हैं, ठीक है, वही आटा है। आटा हिंदी मेलिंग ऑफ, क्या इंग्लिश में आटा को कहते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। देखिए तब ये है। अब तो हम क्या करेंगे, प्रोसेस में सबसे पहले वाटर को ऐड करेंगे आटा में, ठीक है। उसके बाद ऐड करेंगे इसमें भी, दोनों में भी आटा है। हमने अभी क्या किया, जो फूड होता है वो अपने से ही फंगस डेवलपमेंट कर लेता है, लेकिन एक में हम क्या करेंगे, एक में बेकिंग सोडा को डालेंगे, जो मजबूरी में उसको से करवाता है ईस्ट का डेवलपमेंट, यानी फंगस का डेवलपमेंट। जिससे क्या होता है, देखेंगे रिएक्शन के बाद, साइंस के बाद जानेंगे। अगर अभी जान लिए साइंस के बाद तो फिर इंटरेस्टिंग लग भी नहीं करेगा। तो चलिए सबसे पहले वाटर को ऐड करते हैं। चम्मच से मदद से अच्छे से घोल लेंगे, नहीं घोलेंगे तो फिर कोई प्रोसेस अच्छा से हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप लोग, जनरल ये सब इस टाइप की भोजन हो गया है रेडी। अब इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, पता है आपको, हमारे पास बेकिंग पाउडर है, इसमें जो ईस्ट होता है इसे हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। अब पांच पांच फूड के नाम बताइएगा जिसमें हम बेकिंग पाउडर यानी ईस्ट पाउडर का यूज करते हैं। तो चलिए हम प्रोसेस को आगे हम पहले ही बता दें, ठीक। क्या एक में हम बेकिंग पाउडर को ऐड करेंगे, क्यों, उसमें जबरदस्ती हम फंगस के डेवलपमेंट करवाएंगे। एक में नहीं ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि कोई भी फूड होता है उसे अगर 5-6 घंटे के अंदर मॉइस्चर मिल जाता है और उसका जो भोजन मिल जाता है फंगस का डेवलपमेंट करने का, तो डेवलपमेंट हो जाता है। उसी को हम लोग खाते हैं तो बीमार पड़ते हैं, क्योंकि हमें नज़र तो नहीं आता कि फंगस है ना। बेकिंग पाउडर ऐड कर दिए हैं। अब इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं कि पूरा जो आटा का पार्टिकल्स है सब चल जाए बेकिंग पाउडर। अभी आपको कुछ नजर आया, जैसे हम बेकिंग पाउडर को ऐड किया, पहले देख रहे थे इतना ही था, लेकिन अब देखिए पूरा मुंह पर आ गया है, देखिए पूरा ऊपर आ जाएगा। अभी तो कुछ समय के ही बात, देखिए फुलफिल हो गया, अभी ही हो गया, लेकिन हम इसे 1 डे के लिए छोड़ेंगे तो क्या होगा आपको पता है, देखते हैं। देखिए हल्का सा और इसमें पानी ऐड करेंगे ना तो और ऊपर आ जाए, पानी के साथ साथ ही, कि आपको दिखाना है, नहीं दिखाइएगा तो अंधेरा है ना। मिक्स करते हैं, हल्का सा इसे भी डाल देते हैं। ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा, नजर आया दोस्तों, देखिए आ रहा है ऊपर, आ रहा है दोस्तों, लाइक 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 कीजिए, देखिए आ रहा है ना ऊपर। अरे आ रहा है कि नहीं भाई, बोलिए ना, यही तो है, इसी का तो ईस्ट होता है, यही तो है इसमें और कुछ नहीं है। देखिए अभी ही आ गया, तो हम सोचते हैं एक दिन नहीं छोड़ दीजिए, इस एक्सपेरिमेंट को यहीं तक हम बंद करते हैं। तो साइंस की बात करते हैं यहाँ पर, क्या होता है जब हम इसमें ऐड किए ना तो क्या हुआ ना कि ईस्ट
यहाँ पर रिएक्शन करके वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ा, ठीक है ना। कार्बन कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा तो देखिए सब जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड के चलते फूला हुआ है, इसमें अब कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है केवल, जिसके चलते फूला हुआ है। देखिए अभी नीचे गिरने वाला है ना, फूल चुका है, और एक में नहीं है, लेकिन ये भी कुछ भी हो जाएगा, जैसे ही 5-6 दिन 7 दिन इसे रखेगा ना, तो अपने से इसमें ईस्ट का डेवलपमेंट होता है। तो वीडियो कैसा लगा, अरे गिरना मत भाई, कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लगा तो, और अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कीजिए, तो जो बहुत